आज मैं आप सबके बीच फिर से लेके आया हूँ एक नए परमानेंट जॉब की वैकेंसी के लिए है। AI, यह जो है AIESEL डेली टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट जो है 2023 में वैकेंसी निकल कर ITI होल्डर के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। वाल कैन इंटरव्यू टेक्नीशियन इन डिफरेंट ट्रेड ऑन FTE बेसिक। यहाँ पर जो है ऑल टेक्निकल ट्रेड के लिए, जिसमें टेक्नीशियन ट्रेड के लिए जो है ITI होल्डर के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। यह इसकी हम पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। यह कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, आपको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप इस कंपनी में जो है यह जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह जो है AIESEL दिल्ली टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई गई। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और एंड फुल नोटिफिकेशन आपको इसमें जो है, ये AIESEL का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड जो है आर इन इन्वाइटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन। यह जो है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें जो है क्या कहते हैं, यह ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यह जो है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है वैकेंसी निकाली गई है। टीम फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस, यह वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड द फुल रिक्वायरमेंट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें जो है आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आपको अगर अच्छा लगेगा तो भी इस फॉर्म को आप जो है अप्लाई करना, नहीं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई मत करना, फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। इसमें जो है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से है जो पोस्ट जो है यह टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह जो है टेक्नीशियन पोस्ट के निकाली गई है। वाल्क इन इंटरव्यू डिटेल डेट, इसमें इंटरव्यू की अगर बात करें तो इसमें जो है 11 अप्रैल 2023 को यह जो है 11 अप्रैल को जो है इसमें आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। अगर वाल्क इन इंटरव्यू वेन्यू की बात करते हैं तो यह इंटरव्यू कहाँ होगा, पर्सनल डिपार्टमेंट, यह जो पर्सनल डिपार्टमेंट A320 वेनिक्स कॉम्प्लेक्स नियर न्यू कस्टम हाउस, यह जो IGI एयरपोर्ट टर्मिनल सेकेंड न्यू दिल्ली 11 00, यह 37, यह जो है इसका क्या कहते हैं एड्रेस है, यहीं पर आपको जो है जाके क्या करना है इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर इसके क्या कहते हैं एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन फीस के हम नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस इन 1000, यहाँ पर आपको जो इस फीस में आप फीस को भरेंगी है आपकी फीस जो है रिफंडेबल नहीं होगी। बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ड्राउन इन फेवर ऑफ AIESEL इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड पेएबल एट न्यू दिल्ली, यह जो है SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एक्सपेंडेड फॉर फ्रॉम पेमेंट ऑफ दिस फीस। इसमें क्या कहते हैं जो SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा, प्लीज मेंशन योर फुल नेम। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे 1000 का, उसमें 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, 1000 फीस जब वहाँ जमा करेंगे तो वहाँ पर जो है 1000 का फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। वहाँ पर आपका प्लीज मेंशन योर फुल नेम, वहाँ उस डिमांड ड्राफ्ट में आपका फुल नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द रिवर्स ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। आपकी डिमांड ड्राफ्ट की जो डिमांड ड्राफ्ट आपका बना रहेगा उसके बैक साइड में आपका जो है पूरा नेम और मोबाइल नंबर और अप्लाई पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप जो है उसमें अप्लाई करेंगे उस पोस्ट की पूरी डिटेल्स उस डिमांड ड्राफ्ट में आपका पूरा डिटेल्स दिया रहना चाहिए। अगर इसमें एज लिमिट की हम बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट जो है UR जनरल और EWS के लिए 35 ईयर है, 35 ईयर्स है और OBC के लिए जो है 38 ईयर्स तक है, और क्या कहते हैं SC ST के लिए 40 ईयर तक जो है इसमें एज लिमिट की है। एज रिलैक्सेशन
एज पर रूल, और क्या कहते हैं इसमें एज पर जो है आपको कुछ छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर सैलरी की बात करते हैं, AIESL टेक्नीशियन सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 पर मंथ एट द टाइमिंग ज्वाइन। आप जब इस कम जब कंपनी में आप इसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे तो इसमें जो है स्टार्टिंग से ही आपको 25,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज पर अप्रूवर्ड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ AIESL की तरफ से जो है आपको स्टार्टिंग से ही 25,000 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डिटेल्स किसकी हम बात करते हैं, इसमें क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो है आपको सिलेक्शन आपका कैसे होगा, जिस ट्रेड से आपने ITI किया होगा उस ट्रेड से जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद क्या कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू आपको देना होगा। यह ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, इसमें जो है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट विल बी एटली फॉर पीरियड 5 ईयर। यह जो है इसमें आपका 5 ईयर तक जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा, इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको जो है 5 साल के लिए रखा जाएगा। एंड एक्सपेंडेबल ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर डिपेंडिंग अपॉन रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो इसमें क्या कहते हैं 5 साल के लिए फिर से आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। इसमें 5 साल के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 साल पूरा होने के बाद आपको फिर से इसमें क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 साल के लिए फिर से रखा जाएगा। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट की बात करते हैं, टेक्नीशियन में कितनी पोस्ट है, फिटर, सीट मेटल, कारपेंटर, अपहोल्स्ट्री पेंटर, वेल्डर और मशीनिस्ट, इतनी ट्रेड हैं। अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन ITI इन रिकॉग्नाइज कंट्रेंड ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और NCVT इन अप्लाइड ट्रेड। इसमें जिन स्टेट से आपने ITI किया हो उस स्टेट का आपके पास रिलेटेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे NCVT हो या SCVT। एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं तो इसमें 2 ईयर इन रिलेटेड ट्रेड इन द इंडस्ट्रीज, आपके पास 2 ईयर का जो है रिलेटेड ट्रेड से जिस स्टेट से आपने ITI किया हो उस स्टेट से आपको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एविएशन। इसमें क्या कहते हैं आपका 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस होगा तो भी आपका इस कंपनी में जो है हो जाएगा। अगर इसमें क्या कहते हैं वर्क इंटरव्यू डेट और वेन्यू की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं आपको किस जगह कितने डेट का आपको इंटरव्यू होगा और कितने कहाँ पर जाना होगा। यह इंटरव्यू जो है 11 अप्रैल को जो है 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनल डिपार्टमेंट 320 एविनिक्स कम्प्लेक्स नियर न्यू कस्टम हाउस AIG एयरपोर्ट टर्मिनल 2 न्यू दिल्ली 11037 पर जो है यहाँ इस एड्रेस पे आपको जो है जाके क्या करना है आपको को जाकर इस जगह पर जाकर आपको क्या कहते हैं इंटरव्यू देना होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद। यह इसका फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करना हो उसको नोटिफिकेशन में आपको लिंक दे दिया जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप इस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म को आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा। यह फॉर्म फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की फॉर्मेट है, आप सभी को देख सकते हैं। इसमें फुल नेम आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी, मीनिंग, एड्रेस आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, TGCA, कंप्यूटर नेम अगर है तो यहाँ, वेदर SC ST OBC, और क्या कहते हैं इतनी जो है आपको देखिए इसमें क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, 10th + 12th, 10th की क्वालिफिकेशन, 12th की क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग, और क्या कहते हैं इसमें और भी चीज़ें आपको फिलअप करनी होंगी, देख लीजिएगा।
बस हो गया, इतनी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी।